नमस्कार। आज हम बनाएंगे आम का रस और सेवैया। सेवैया और आम का रस एक साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी बना कर देखिए। चलिए बनाते सेवैया। तो इसके लिए हमें चाहिए करीब 250 ग्राम सेवैया, ये गेहूं के आटे की है। साथ में चाहिए हमें मेवे, काजू, बादाम, चिरौंजी, इनके छोटे छोटे टुकड़े करके रख लेंगे। इसी के साथ हमें चाहिए इलायची दो तीन। इलायची का हम पाउडर बना के रख लेंगे। तो आइए बनाते हैं सेवइयाँ। तो सबसे पहले कढ़ाई गरम करते हैं, और जब कढ़ाई गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे घी। घी जब गरम हो जाए तब हम इसमें सेवइयाँ डालकर इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस की आंच हमें कम ही रखनी है ताकि सेवइयाँ जले नहीं, और इसे लगातार चलाते रहे और बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन ब्राउन कलर आने तक हमें इसे पकाते रहना है। तो ये जो सेवइयाँ हैं ये गेहूं के आटे की बनी हैं, ये पौष्टिक होती हैं, और मीठी सेवइयाँ भी बनती है, नमकीन भी बनती है। आज हम मीठी सेवइयाँ बनाने वाले हैं। तो इसे अच्छे तरीके से पहले घी डालकर हम भून लेंगे, और इसके बाद हम इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब वही कढ़ाई जो है इसे हम गरम करते हैं, और इसमें हम डालेंगे दूध। तो 250 ग्राम सेवइयों के लिए करीब हमें 1 लीटर दूध की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 लीटर दूध हम इसे गरम करने रख देते हैं। इसमें एक उबाल आने देंगे। जब दूध अच्छे से उबलने लगे तब हम इसमें शक्कर मिलाएंगे। शक्कर इतनी मिलानी है कि सेवैया जो है मीठी लगे। अब आप अपने हिसाब से, किसी को कम पसंद आता है, किसी को ज़्यादा मीठा पसंद आता है, उस हिसाब से आप शक्कर मिला सकते हैं। तो शक्कर जब घुल जाए इसके बाद हम इसमें मिला देंगे मेवे, काजू, बादाम और चिरौंजी हैं, इसे हम इस उबलते दूध में डाल देंगे और इसे थोड़ी देर पकाएंगे। इलायची का पाउडर भी मिला देंगे और इस दूध को उबलने देंगे करीब 1-2 मिनट तक। जब ये अच्छे से खौलने लगे तब हम इसमें सेवइयाँ मिलाएंगे। सेवइयाँ थोड़ी थोड़ी मिलाते जानी है, एकदम से सारे मिला देंगे तो दूध ठंडा हो जाएगा। इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी सेवइयाँ मिलाते हुए इसे चलाते रहना है। इससे दूध गरम का गरम रहेगा और जल्दी सेवइयाँ पक जाएगी। तो सारी सेवइयाँ हमें इसमें धीरे धीरे मिला लेनी है और इसे पकाना है। तो धीरे धीरे सारी सेवइयाँ हम इस दूध में डाल देंगे। और अब आंच धीमी कर देंगे और इसे हम 2-3 मिनट तक पकाएंगे। सेवइयाँ जो है वो नरम पड़ जानी चाहिए। ऊपर से आप 1-2 चम्मच घी भी डाल दीजिए, इससे सेवइयाँ जो है चिपकती नहीं है। लीजिए, बहुत ही बढ़िया सेवइयाँ तैयार हो गई है। इसने दूध भी थोड़ा सोख लिया है और ये अच्छी तरीके से फूल के तैयार है। किसी किसी को इसी तरह की गर्म सेवइयाँ खाना पसंद है तो ये सर्व करने के लिए रेडी है। लेकिन किसी को ठंडी सेवइयाँ पसंद आती है तो हम ढककर आधा घंटा रख ले, तो ये देखिए आधे घंटे बाद इस तरह की ड्राई सेवइयाँ बन जाती हैं। ये खाने में बहुत ही यम्मी लगती है। सेवइयों ने सारा दूध सोख लिया है और ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बन गई है। चलिए अब बनाते हैं आम का रस। तो आम के छिलके और गुठली हटा देंगे और बीज का जो प्यूरी है इसे निकाल के हम मिक्सी के पॉट में रख देंगे। इसमें हम मिलाएंगे पीसी हुई चीनी। तो चीनी को पीस के रख लें। तो सबसे पहले जो है आम के टुकड़ों में दूध डालेंगे
और फिर पीसी हुई चीनी मिला देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा चीनी ले सकते हैं। और जो रस का थिकनेस आपको कितना चाहिए, गाढ़ा या पतला, उस हिसाब से आप दूध मिला सकते हैं। तो हम दूध और चीनी मिलाकर ये जो है इसे बहुत अच्छा महीन पीस लेंगे। आवश्यकता पड़े तो आप और थोड़ी चीनी मिला सकते हैं और दूध मिला सकते हैं। और इसी तरीके से जो जितने आम हैं इसका आप रस बना लीजिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया आम का रस तैयार है। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से पता चल जाए। और सेवइयों और आम के रस को एक साथ खाकर जरूर देखिए, ये तो बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है।